यही बात मैं तुमको एक कभी कभी पाताल लोक के जो कीड़े हैं ना वो धरती लोक के आदमियों को काट लेते हैं और उनके काटने से होता है काट। अरे वही तो हुआ मेरे तो लग गए मेरे तो लग गए। छोटा मोटा गेम नहीं करने का सीधा टिकटॉक ही उड़वाने का। तो गलती किसकी? आमिर की। और डूबा कौन? वो खुद, उसका भाई, उसके दोस्त, बाकी टिकटॉकर्स और पूरा का पूरा टिकटॉक। अब टिकटॉक वालों को यूट्यूब पे ऐड भी देनी पड़ रही है, वो भी फेक रेटिंग के साथ, और साथ के साथ इन्फ्लुएंसर्स को मेल भी कर रहे हैं ताकि वो इन्फ्लुएंसर बन सके। और अगर टिकटॉक बैन हुआ तो इन सब के दिलों के टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं, यानी कि दिल के टुकड़े इंटू 100। और इन सब का हवा हुआ दोबारा प्रमोट करने के लिए आ रहा है एक ब्रांड न्यू ऐप जिसका नाम है टिक किक। और टिकटॉक वालों खुश तो बहुत होंगे आज तुम, टिकटॉक की सेकंड कॉपी जो आ गई है। वैसे तो ये अभी शुरू ही नहीं हुआ है। आई रियली होप कि इसका एल्गोरिथम पटी ना हो, बिकॉज ये आर्टिस्ट को प्रमोट करेगा, टैलेंट को आगे लेके आएगा, तभी ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो आजकल यूट्यूब पे आने की कोशिश कर रहे हैं ये बंद हो जाए, इससे यूट्यूब दूषित हो रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये वीडियो 6 दिनों से ट्रेंडिंग पे कैसे है यार। अच्छा अब समझ आया, मतलब YouTube is not drunk, YouTube is paid by Faizu to promote his video. To get this kind of enormous mind-blowing engagement, प्यार, support, इज्जत। But anyhow, it motivated other TikTokers to come on YouTube as well. और ये वही लोग हैं जो आमिर सिद्दीकी का ये सपना पूरा करने आए हैं। Actually, यार सारे TikTokers तो YouTube पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा content post करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसे मानना चाहिए। Some people are like, क्या यार ये सारी जगह YouTube versus TikTok, खत्म करो इसको। हम लोग के झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे। Guys, I am Sunny, मैं कहना चाहता हूँ इन जैसे लोगों की वजह से इंडिया में लॉकडाउन के बावजूद भी मिठाई की कमी तो बिल्कुल भी नहीं हुई। अखियां मिला के हार्ट अटैक दिया बे। तो समझ रहे हो ना गलती किसकी है? ये गलती सिर्फ टिकटॉक वाली जनता की है, क्योंकि टिकटॉक में तो पहले ही कह दिया था कि ये ऐप सिर्फ बेरोजगार और वाहियात लोगों के लिए बनाई जा रही है। मोदी अंकल ने इस बार कोई टास्क नहीं दिया, लेकिन लोगों ने खुद ही साइन कर लिया कि हमें टिकटॉक को भगाना है। और काश कोई हैशटैग टिकटॉक मुक्त इंडिया, टिकटॉक को भगाओ ऐसे हिंदी फ्लेवर वाले हैशटैग लॉन्च करता तो क्या मस्त इंडियन फ्लेवर आना था। इस वो वीडियो थी 14 सेकंड की और किसी ने उसे क्रॉप करके 9 सेकंड का करके उसे वायरल कर दिया। स्टार्ट का पार्ट दिखाया ही नहीं जिसमें मैं वो पानी पी रहा था, उसके वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो गाइस मैं कभी ऐसी गलत चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहूंगा, ना मैंने कभी ऐसी गलत चीजों को प्रमोट किया है। अपने भाई की वजह से नजरों में अब आया, अपने भाई की वजह से नजरों में अब आया, वरना गलतियां तो ये कब से कर रहा था। अच्छा ये सुनना ध्यान से, ये स्पेशल आमिर सिद्दीकी के लिए। इफ यू सॉरी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स, इफ यू सॉरी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स, इफ यू सॉरी एंड यू नो तूने गलत लगाया शो, इफ यू सॉरी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स। तो भैया आप कैंडी शॉप में कितने में बिक जाते हो? 200 डेली का इन्फ्लुएंसिंग लगा के। इन्फ्लुएंसिंग लगा के? और दिन में कितने घंटे वीडियोस बनाते हो? 4 घंटे। 4 घंटे वीडियोस बनाते हो तब भी 200 में बिकते हो सिर्फ? और ये जो स्माइल है आपकी इतनी प्यारी आ रही है, इसका कोई राज? काफी खुश हो लगता आप इस कॉन्ट्रोवर्सी से। हाँ कोई दिक्कत नहीं होती। तो यूट्यूबर्स टाइम पे डोज दे देते हैं? हाँ डोज बिल्कुल टाइम से देते हैं, डोज और बेस्टी दोनों बिल्कुल टाइम से देते हैं। जैसे इस कोरोना की वजह से एनवायरमेंट और पोल्यूशन इतना साफ हो गया है, वैसे इस कंट्रोवर्सी की वजह से ना सोशल मीडिया का पोल्यूशन भी बिल्कुल साफ हो जा रहा है। और एनवायरमेंट इतना साफ हो गया है कि पंजाब के लोगों को घर बैठे कनेडा दिखी जा रहा है, लेकिन आमिर सिद्दीकी को अभी तक अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। अरे इतना गाता फैलाने के बाद कौन करता है ऐसा यार? 2 साल का नादान बच्चा है क्या जो इतना नहीं समझ पाया कि ऐसे करूंगा तो चार्ज भी तो लीक हो ही जाएंगी ना। बापू जी देखो तो इनका भोलापन, भोलेपन पे इतना गुमान कर, भोलापन 2 पल में डल जाएगा। भाई इतना फेम, मतलब इतना नेगेटिव फेम लेके कौन से प्लैनेट के सोशल मीडिया पे जाने का सोच रहे हो? क्योंकि इंडिया के सोशल मीडिया पे तो तुम अच्छे से हक चुके हो। मतलब भाई
टिकटॉकियों का अलग सा है बिग बॉस, मतलब जहाँ ये यूट्यूब मिलके सारे हंसते और हमको कंटेंट देते। पर वैसे ही टिकटॉक बैन की वजह से ना हम यूट्यूबर्स का ना बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है यार, हम रोस्ट करने के लिए कंटेंट कहाँ से लेके आएंगे यार, मतलब इनकी वीडियोस अपनी वीडियोस में यूज करके हम टिकटॉक से पैसा कैसे कमाएंगे। हमारी वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हम कंट्रोल सिमरन कंट्रोल, हम भारतवासी इस देश की सुरक्षा में और बेलेस इन्फ्लुएंसर्स की सफाई में बिल्कुल कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। अमेरिका ने तो RIP कह दिया टाइम से, अब इंडिया की बारी है। और अब सीरियस नोट में आपसे एक चीज शेयर करना चाहती थी कि मैं सबकी वीडियो देख रही हूँ जो मुझे सेंड कर रहे हैं सारे की इसके ऊपर वीडियो बनाओ। दोज वीडियोज वर अबाउट एनिमल ब्रुटैलिटी, वो मैंने कैट वाला और डॉग वाला वीडियो देखा, वो वीडियो मैं अपने चैनल में इसलिए इंक्लूड नहीं करना चाहती थी बिकॉज मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को हंसाना और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में थोड़ा बहुत लाइक हंसी प्रदान करना। तो वो वीडियोस की वजह से थोड़ा एनवायरमेंट टॉक्सिक हो गया था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो देख के। तो इसकी वजह से आई रियली थिंक कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो जिसके ऊपर एल्गोरिथम ही इतना बेकार है और वो कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर रहे हैं जबकि वो एक बारी बैन भी हो चुके हैं, तो इस बारी उसको बैन पक्का हो जाना चाहिए। तो आपको क्या फीलिंग आती है मुझे नहीं पता, बट आई रियली थिंक कि प्लेटफॉर्म इस लायक है नहीं। सो या दैट वॉज माई व्यूज, तो ये रीजन था कि इसकी वजह से मैंने वो वीडियोज इंक्लूड नहीं करी। तो मेरी वीडियो से सिर्फ आपको खुशी मिलनी चाहिए। तो अगर रोज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और सबके साथ शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और मेरा एक और चैनल है सिम थिंग्स नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके सारे अपडेट्स देते रहना। जैसे भी जो भी कुछ नया आता है मार्केट में तो मैं रोज वीडियो बनाने के लिए कंटेंट ढूंढती रहती हूँ। तो या मुझे मैसेज कर देना, बता देना। आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड या ओके बाय।